वही विकास के काम में गांव में जो सबसे गरीब आदमी है, अंतिम आदमी है, उसको भी उन्होंने फोकस किया है, टारगेट किया है। फ्री में राशन लोगों को मिल रहा है, फ्री में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर 5 लाख रुपया तक इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना में सुविधा, इस तरह से प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए भी किया है। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी बड़ी सेवा की है। पहले हम लोग गांव में जाते थे तो लोग बिजली के लिए इंतजार करते थे, 4 दिन 5 दिन में कभी घंटा 2 घंटा बिजली आती थी, लेकिन अब तो घर घर बिजली पहुंचाने का काम नीतीश कुमार जी ने किया। और सिर्फ घर घर बिजली, पोल तार खड़ा हो गया हो ऐसा नहीं है, अब तो 22 घंटा 18 घंटा 24 घंटा बिजली गांव में रहती है। तो इतना अच्छा काम इन्होंने किया है। और चाहे भारत की सरकार हो या राज्य की सरकार, इस तरह का काम जो विकास का हुआ है सरकार करती है तो समाज के सभी वर्ग के लोगों को इसका लाभ मिलता है। किसी जात के हो, किसी धर्म के हो, बिजली मिल रही है तो कोई धर्म जाति देखकर थोड़े मिल रही है, सबके घर में बिजली है। राशन की सुविधा मिल रही है, जो उस कैटेगरी में आते हैं वो कोई जात धर्म देखकर नहीं, सबको सुविधा मिल रही है। आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख रुपया तक इलाज, सबको इसकी सुविधा मिल रही है, किसी जात का हो किसी धर्म का हो। तो हर तरह से सब लोगों को समान दृष्टि से देखकर सभी लोगों के लिए काम करने वाली सरकार दिल्ली में, काम करने वाली सरकार पटना में, एनडीए की सरकार दिल्ली में, एनडीए की सरकार पटना में, आप सब लोगों ने मिलकर एनडीए के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ से देवेश चंद्र ठाकुर जी को जिताकर भेज दिया, तो काम करने में कोई कठिनाई नहीं हो। आप लोग भी इस बात को महसूस करते होइएगा कि जिसकी सरकार रहती है उसका प्रतिनिधि अगर हो तो काम ज़्यादा होता है, सरकार किसी और की और प्रतिनिधि कोई और हो जाए, विपक्ष की पार्टी का हो जाए तो काम नहीं होता है। इस बार मौका अच्छा है, सरकार एनडीए की दिल्ली में भी बनेगी, उसमें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो दिल्ली से लेकर पटना तक एनडीए एनडीए एनडीए, यहाँ से आप सब लोगों से यही आग्रह करने आए हैं कि सब लोग मिलकर देवेश चंद्र ठाकुर जी को एनडीए के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ से जिताकर भेज दीजिए। यही आग्रह है। चुनाव चिन्ह आप सब लोगों को मालूम है, पुराना चुनाव चिन्ह इनका है, तीर छाप, जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता हैं, तो तीर छाप के सामने के बटन को दबा करके आप सब लोग भारी मतों से इनको जिता कर भेजिए। मतदान आपके यहाँ वोट है 20 तारीख को, क्रमांक संख्या 2 नंबर पर इनका नाम है, 1 नंबर के बाद 2 नंबर पर, और तीर तो ऐसे ही दिख जाएगा। और इस काम को, तीर छाप को घर घर तक, हर मतदाता तक पहुँचाने का काम करना है। समय कम है, अब इसी काम में लगना चाहिए। और हर व्यक्ति जिनका जहाँ मतदान केंद्र है उस मतदान केंद्र पर अधिक से अधिक लोगों को कैसे सर्विस करके और अधिक से अधिक मतदान करें, इस काम में आप सब लोग अब लगिए। यही आग्रह है। इन्हीं चंद बातों के साथ हमको पूरा भरोसा है कि आप सब लोग निश्चित रूप से देवेश चंद्र ठाकुर जी को जिताइएगा। नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री फिर से बनेंगे और सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र का विकास भी आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।